तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस रांची यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस सेमेस्टर 1 to 8। ठीक है, और ये किसके लिए काम देगा? तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे आप सेशन 22-26 के हों, ठीक है, 22-26 वाले सेमेस्टर 3 से देख रहे होंगे, और 23-27 वाले हों तो हो सकता है सेमेस्टर 2 से आप देख रहे होंगे, या 24-28 वाले हों तो सेमेस्टर 1 के लिए, मतलब जितना भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 साल का सभी के काम में आएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद टोटल जो है सिलेबस बताऊंगा सेमेस्टर 1 to 8, 4 साल का पूरा। ठीक है, और ये तब तक काम देगा जब तक कि आपका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है। तो अभी नया नया शुरू हो रहा है, अभी चेंज करने के बाद कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 में आपके यहाँ पे जो अभी मैं सिलेबस बताऊंगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, 2 रहेगा इसमें मेजर 1 सेट पेपर रहेगा। तो डायरेक्टली बता देता हूँ, मेजर पेपर टोटल 20 गो का सिलेबस जानेंगे, एडवांस मेजर पेपर 3 गो रहेगा, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 20 गो मेजर पेपर रहेगा, एडवांस मेजर पेपर यानी कि AMJ का पेपर 3 गो रहेगा, उसके बाद माइनर पेपर रहेगा आपका 1, 3, 5, 7, 4 गो माइनर पेपर रहेगा, सेक पेपर 3 गो रहेगा। इतना का अभी हम लोग जानेंगे सिलेबस। ठीक है, और पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका 4 साल में है ना, तो कंप्लीट करते करते लग जाएगा 4.5 साल या 5 साल। ठीक है, देखिए कोर्स होता है, जब हम लोग का ग्रेजुएशन हो रहा था 3 साल का, उस टाइम पे हम लोग को लग जाता था 3.5 साल या 4 साल कंप्लीट करते करते। तो आप लोग का 4 साल का है तो 4.5 साल लग जाएगा या 5 साल लग जाएगा कंप्लीट करते करते। ठीक है, टोटल ग्रेजुएशन आपका जो है टोटल 4000 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें सेमेस्टर 1 में टोटल 6 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 में 6 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 3 में भी 6 सब्जेक्ट है, और सेमेस्टर 4 में भी 6 सब्जेक्ट है। मतलब 4 गो सेमेस्टर तक प्रथम 2 साल 24 गो सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपके 2 साल लास्ट 2 ईयर यानी कि सेमेस्टर 5 में आपका 5 गो सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 6 में भी 5 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 7 में भी 5 और सेमेस्टर 8 में भी 5। मतलब प्रथम 2 साल 24 सब्जेक्ट है और लास्ट के 2 साल में 20 सब्जेक्ट है, कुल मिला के 44 गो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 44 सब्जेक्ट में आपका मेजर पेपर 20 गो है अकेले। ठीक है, माइनर पेपर 4 गो है, 24 गो हो गया, फिर आपका सेक पेपर 3 गो है, और बाकी रहता है आपका MDC पेपर और भी बहुत सारा पेपर है, उसको हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग मेजर पेपर, माइनर पेपर और सेक पेपर का सिलेबस जानेंगे। ठीक है, साथ ही एडवांस मेजर पेपर का। चलिए तो देखते हैं आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं। मेजर पेपर रहता है, माइनर पेपर रहता है, MDC का, AEC का, सेक पेपर, बैक पेपर। ठीक है, फिर आपका इंटर्नशिप का रहता है एंड रिसर्च पेपर रहता है। चलिए तो अभी हम लोग देखने वाले हैं केवल मेजर पेपर का सिलेबस, माइनर पेपर का सिलेबस और सेक पेपर का सिलेबस, साथ में एडवांस मेजर पेपर का सिलेबस। बाकी जो सिलेबस रहेगा उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें केवल आपका मेजर पेपर जानेंगे 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, एडवांस मेजर पेपर जानेंगे 3 गो का, सेक पेपर जानेंगे 3 गो का, और माइनर पेपर जानेंगे 4 गो का सिलेबस, बस इतना ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन का सेट, जो आपका 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मेजर पेपर में। ठीक है, मेजर पेपर में 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। देखिए 75 मार्क्स का रहेगा, टाइमिंग 3 आवर रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का रहेगा और ग्रुप बी आपका रहेगा 60 मार्क्स का, 75 नंबर हो जाएगा। पास करने के लिए आपको 75 में 30 नंबर लाना होगा, कितना 75 में 30। यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स वाले 5 गो, 1 नंबर या 5 गो, 5 नंबर या 2 गो, ये हो जाएगा 15 नंबर ग्रुप ए। और ग्रुप बी में रहेगा आपका 15 मार्क्स वाले 6 गो क्वेश्चन, जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा। ठीक है, 15 मार्क्स वाले 6 में से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशन में ग्रुप ए आपका 20 मार्क्स का रहेगा और ग्रुप बी रहेगा आपका 80 मार्क्स का, जिसमें ग्रुप ए में 1 नंबर या 10 को रहेगा और 5 नंबर या 2 को। ठीक है, कुल मिला के 20 मार्क्स ग्रुप ए, और ग्रुप बी जो रहेगा 20 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन में से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, जो कि 80 नंबर होगा इसमें। और जब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो पास करने के लिए आपको लाना होगा 40 नंबर। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 शुरू करते हैं। पहला पेपर का सिलेबस, इसमें देखिए 75 नंबर का एक्सटर्नल होता है और 25 नंबर का इंटरनल होता है। ठीक है, कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होता है,
जो 75 नंबर का एग्जाम होगा ना आपका एक्सटर्नल में सेंटर में, इसमें आपको पास करने के लिए 75 में 30 लाना है, कितना 30। और जो इंटरनल एग्जाम होता है आपके कॉलेज में, उसमें आपको 10 नंबर लाना होता है, ठीक है। यानी कि 25 में 10 और 75 में 30, कुल मिला के इसमें 10 नंबर और इसमें 30 नंबर, 40 नंबर आपको लाना होगा तब आप इसमें पास माने जाएंगे, ठीक है। जितना भी मेजर पेपर यानी कि 75 और 25 के अनुपात में बांटा रहेगा, जितना भी पेपर है आपका 75 नंबर का, उन सभी का, ठीक है। तो पहला आपका पेपर है मेजर पेपर 1, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमजे पेपर, ठीक है, ऑनर्स पेपर इसी को बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना है यहाँ पे, ये देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपके 2 यूनिट है, छोटा छोटा यूनिट है, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, फिर आपका सेमेस्टर 1 में एक पेपर रहेगा आपका सेक का पेपर, इसमें है पढ़ना है आपको, जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस रखेंगे, ठीक है, सेक पेपर में जो लोग पॉलिटिकल साइंस रखते हैं उनको पढ़ना होता है यहाँ पे मैनेजिंग, एक मिनट, मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन के बारे में जनरली इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें आपका टोटल जो यूनिट है वो 6 को यूनिट है। पहला है जो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी होता है उसके बारे में जानना है, एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कैसे किया जाता है। फिर जानना है आपको इलेक्शन एंड मॉडल कोड कंडक्ट की, इलेक्शन में किस टाइम क्या क्या लगता है, आचार संहिता वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा। फिर आपको मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कैंपेन किस तरह से किया जाता है, मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपका फंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, पार्टी फंड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं। जो लोग किसको, तो सेमेस्टर 1 में जो लोग पॉलिटिकल साइंस को सेक पेपर में रखते हैं उनके लिए। अब आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा सेमेस्टर 2 का। बोलिएगा सेमेस्टर 1 में क्या, आपने तो 6 को सब्जेक्ट बोला था सेमेस्टर 1 में, तो 4 को सब्जेक्ट कहाँ गया, 4 को सब्जेक्ट का अलग से सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, कोई जरूरी नहीं कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है सेक पेपर में भी पॉलिटिकल साइंस रखे, हो सकता है आप पॉलिटिकल साइंस के जगह पे सेक पेपर में आप दूसरा भी रखे हो। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस सेक में रखा है, ठीक है, उनके लिए चलिए एमसीए एडमिनिस्ट्रेटर डियर कैंडिडेट प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, चलिए बाद में कंप्लीट कर लेंगे, कुछ एसएमएस आया है। तो सेमेस्टर 2 में आपका मेजर पेपर 2 शुरू होता है, ठीक है। इसमें हमारा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है, ये पढ़ना है। तो इसका सिलेबस देखिए, ये आपका 4 का छोटा छोटा यूनिट है। इसमें आपको मनु महाराज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मनुस्मृति, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, और इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगला है हमारा मेजर पेपर 3 जो कि सेमेस्टर 2 में ही होता है, मेजर पेपर 3 का सिलेबस। और इसमें है आपको पढ़ना क्या है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि भारत राष्ट्रीय आंदोलन और जो हमारा संविधान बन रहा था उसका विकास, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान का विकास। इसमें आपको जो यूनिट पढ़ना है वो 3 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट, इसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जानना है कि स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से आंदोलन को हम लोग को करना पड़ा, गांधी जी के सभी आंदोलन जिसमें आपका असहयोग आंदोलन है, ठीक है, सिविल डिफेंस और जो मतलब जितना भी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये जानने हैं। साथ में यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, फिर आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1999 में हुआ था, साइमन कमीशन के बारे में जानना है, 1935 में साइमन कमीशन भारत आया था, फिर भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, इसके बारे में जानना है, ठीक है। अब जो लोग सेमेस्टर 2 में सेक पेपर में पॉलिटिकल साइंस को रखते हैं उनको पढ़ना होता है पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पब्लिक पॉलिसी बनते हैं, मतलब लोक नीति का प्रबंधन, हिंदी में बोलेंगे लोक नीति प्रबंधन, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन किया है इसलिए मुझे मालूम है सारा कुछ इसके बारे में। मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस किया है 70% के साथ, हो सकता है आप लोग भी मुझसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो अगला हमारा यहाँ पे
पढ़ना क्या क्या है आपको, जो लोग सेमेस्टर टू में सेक पेपर पॉलिटिकल साइंस रखते हैं उसको पढ़ना होता है। यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी परिचय जानना है। फिर आपको पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, यानी कि लोक नीति को कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कैसे चलाते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, देखभाल कैसे करते हैं, और मेथड ऑफ पब्लिक इवोल्यूशन कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जाननी है जो लोग सेमेस्टर टू में रखते हैं सेक पेपर में पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है। अब आता है सेमेस्टर थ्री। तो सेमेस्टर थ्री में मेजर पेपर हमारा फोर शुरू होता है और इसमें आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय सरकार और राजनीति के बारे में, ठीक है, भारत के सरकार और राजनीति के बारे में इसमें आपको जानना है। एक मिनट यार, चार्ज में है ना? हाँ चार्ज में है, चल जाएगा। तो इसमें आपको भारत की सरकार और राजनीति के बारे में जानना है, ठीक है। तो इसमें है पहला यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, तो बस भारत की राजनीति, लोकसभा, राज्यसभा, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको जानना है। नक्सल मूवमेंट क्या है, जैसे कि IMCC का नाम सुने होंगे, CPI का नाम सुने होंगे, माओवादी का नाम सुने होंगे, सुने नहीं सुने जी? नहीं सुने, नहीं सुने तो फिर क्या पॉलिटिक्स कीजिएगा आप चलिए जान जाइएगा, टाइम लगता है। फिर आता है आपका मेजर पेपर फाइव, इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोक प्रशासन, ठीक है। इसी से मैंने अपना MA कंप्लीट किया है, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इग्नू से किया मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आगे देख लेते हैं, और जब मैं कर रहा था ना ग्रेजुएशन तो पॉलिटिकल साइंस किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MA कर रहा, मैं पूरे कॉलेज में मात्र अकेला कैंडिडेट था, तीन कैंडिडेट ने एडमिशन लिया था, दो को बिहार से था, मैं झारखंड से था, दोनों इंग्लिश में लिख रहा था, मैं केवल हिंदी में लिखता था, ठीक है। दोनों सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में फेल कर गया, सेकेंड ईयर में मैं अकेले बचा था, ठीक है। तो मेरा कंप्लीट हो गया MA, इसी साल कंप्लीट हुआ है, आज ही मार्कशीट आया है और सब कुछ, चलिए जो भी है। तो मैं अकेला ग्रसन MA इस सब्जेक्ट से मैं अकेले किया था, रांची मारवाड़ी कॉलेज से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें आपको पढ़ना है, देखिए गवर्नमेंट अपना बजट कैसे तैयार करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये जानना है, ठीक है, और यह कितना उपयोगी है, जो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जो नौकरशाही, ठीक है, जो कि सरकार, राजनीति, ठीक है ना, और जनता के बीच की कड़ी होती है, उसके बारे में जानना है, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी कि स्थानीय सरकारें, ठीक है, और जो उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, शहर का विकास कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे कैसे आपको पॉलिसी बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। बाकी जब मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा एक एक करके, ठीक है, एग्जाम से पहले उस टाइम पे सब बताऊंगा। चलिए, जो लोग सेमेस्टर थ्री में पॉलिटिकल साइंस को रखते हैं सेक पेपर में, उनको पढ़ना होता है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब का कंपलसरी है और ये एकमात्र सब्जेक्ट है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके 75 को ऑब्जेक्टिव आएगा, 75 को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में जानना है, ठीक है, MS ऑफिस के बारे में जानना है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में जानना होगा, इंटरनेट के बारे में जानना होगा, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन के बारे में जानना होगा, और ये सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 75 को। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है सेमेस्टर फोर, और सेमेस्टर फोर में पहला पेपर आता है मेजर पेपर सिक्स। मेजर पेपर सिक्स का सिलेबस है, इसमें आपको पढ़ना है कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक सरकार और राजनीति, या फिर तुलनात्मक राजनीति और सरकार, ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट में ये डिस्कस किया जाएगा कि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट में क्या क्या अंतर पाया जाता है, उनके शासन व्यवस्था में क्या क्या अंतर पाया जाता है। विशेष रूप से आपको पढ़ना है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का, USA यानी कि अमेरिका का, और फ्रांस स्विट्जरलैंड का, ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड का, इन चार देशों का विशेष रूप से आपको जानना है, ठीक है, बस इतना जान लीजिएगा तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मेजर पेपर सेवन, इसमें आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि वेस्ट मतलब पश्चिम की राजनीति के जितने भी विचारक हैं, जिसमें आपको पढ़ना है अरस्तु के बारे में। मेजर पेपर सेवन में क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है
अरस्तु हटा दिया क्या जी? हाँ, अब थोड़ा सा नहीं हटाया, एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु के बारे में पढ़ना है, प्लेटो के बारे में पढ़ना है, ये सभी दार्शनिक थे और राजनीतिक भी थे। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है, चलिए बताइएगा कमेंट में, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है। ठीक है, यूनिट टू में पढ़ना है थॉमस एक्विनास के बारे में, फिर आपको पढ़ना है जीन ऑस्टिन के बारे में, फिर आपको पढ़ना है मैकियावेली के बारे में, हॉब्स के बारे में पढ़ना है, लॉक के बारे में पढ़ना है, रूसो के बारे में पढ़ना है, जे एस मिल के बारे में पढ़ना है, और कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सभी का जीवन परिचय पढ़ना है, क्या क्या काम किए हैं अपने लाइफ में, कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, किताबें कौन कौन सी लिखे हैं, यही सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब शुरू होता है आपका मेजर पेपर एट। मेजर पेपर एट में पढ़ना है आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, इसमें आपको जानना है अंतर्राष्ट्रीय रूप में, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे राजनीति कैसे किया जाता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है, और पावर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में जानना है, राष्ट्रहित क्या होता है, फिर आपको जानना है सीटीबीटी क्या है, G20 क्या है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, G7, G20, क्वाड के बारे में जानना है, इंडो पैसिफिक, एशियान के बारे में जानना है। ठीक है, शंघाई सहयोग के बारे में जानिएगा। तो मतलब विश्व की राजनीति में जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा सेमेस्टर फाइव। अब देखिए धीरे धीरे जो है ना आपका, धीरे धीरे केवल और केवल मेजर पेपर मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ना है, यानी कि राजनीतिक विचारधारा, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मेजर पेपर नाइन में, इसमें आपके जो यूनिट है बस ये इतना पढ़ना है। कोर्स कंटेंट में ये 7 को यूनिट पढ़ना है छोटा छोटा। पहला है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि राजनीतिक विचारधारा का परिचय। इसमें पढ़ना है लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मतलब साम्यवाद, पूंजीवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद, यही सब के बारे में पढ़ना है, और फिर पर्यावरणवाद के बारे में भी पढ़ना है। ये छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा मेजर पेपर 10, सेमेस्टर 5 का ही है, मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10। इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मानवाधिकार। ठीक है, जो टॉपिक है ये आपके बस ये 7 को छोटा छोटा है। पहला है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों को समझना। देन है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1984, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1984। फिर आपका यूएन जो मैकेनिज्म है ह्यूमन राइट्स को लेकर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों को लेकर जितने भी प्रावधान हैं उन सभी को पढ़ना है। फिर पढ़ना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, ठीक है, 1993 में बना था या 94 में, ये जानना है। तो ये बना था आपका 1994 में बना था ये। ठीक है, अगला है आपका ह्यूमन राइट्स इशू इन इंडिया, क्या क्या इशू है, क्या क्या मुद्दे हैं भारत में मानवाधिकारों के। फिर पढ़ना है RTI के बारे में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। देन पढ़ना है आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल इम्प्लीमेंट्री ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका सेमेस्टर 5 में मेजर पेपर 11, मेजर पेपर 9, 10, 11। ठीक है, अब आपका 11 है, ये मेजर पेपर, सॉरी सेमेस्टर 5 का तीसरा पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है यार, बोलते बोलते ना थक जाता हूँ। चलिए, तो इसमें आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं उनके बारे में, और ये आपका टॉपिक है। ठीक है, मार्क्सिस्ट पढ़ना है, मतलब बहुत सारे विचारधाराओं के बारे में, जिसमें आपका जाता है मार्क्सवाद, फेमिनिज्म। ठीक है, और इसमें आपको M.N. Roy के बारे में पढ़ने को मिलेगा, साम्यवाद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी कि नव उदारवाद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे विचारधाराओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो कि विभिन्न देशों में चलते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सेमेस्टर 5 में सब आपका मेजर पेपर था, साइड में आपको देखने को मिलेगा और भी मेजर पेपर, लास्ट में आते आते पूरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 12, इसमें आपको पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया,
ठीक है, लोक नीति का, लोक नीति और भारत में इसका किस तरह से शासन किया जाता है वो चीज जानेंगे। ठीक है, लोक नीति और भारत में शासन व्यवस्था के बारे में। इसमें आपको जो पढ़ना है यूनिट, वो आपके चार के यूनिट है। पहला है पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोक नीति के बारे में जानिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जानिएगा जिसमें आपका लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बजट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बजट कैसे बनाया जाता है, बजट कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, बजट की अवधारणा, बजट को कैसे गुप्त रखा जाता है। फिर आपको पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी और इसमें जो कानून बने हैं, लोकपाल है, आरटीआई है, इन सभी कानून को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, देन आपका मेजर पेपर 13, इसमें आपको पढ़ना है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विदेश नीति के बारे में। ठीक है, इसमें जो है मेजरली आपको चार यूनिट पढ़ने हैं, पहला यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि भारत की विदेश नीति कैसी थी पहले आजादी से पहले, फिर आजादी के बाद अमेरिका के साथ कैसा है, रूस के साथ कैसा है, चीन के साथ कैसा है, यूरोपियन यूनियन के साथ कैसा है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी के पड़ोसी देशों के साथ हमारा कैसा रिलेशन है। ठीक है, और आसियान का साथ कैसे है, सार्क के साथ कैसा संबंध है, मतलब विभिन्न देशों के साथ संबंध को पढ़ना है इसमें। ठीक है, फिर आपको हम लोग को जानना है कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, नेगबोर पॉलिसीहुड क्या है, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डेमोक्रेसी के बारे में जानना है। ठीक है, फिर डेम पॉलिसी के बारे में जानना है, डेमो पॉलिसी आगे देख लेते हैं। तो ये आपको इसी तरह से जानना है कि बोल देगा कि भारत और पाकिस्तान के विदेश नीति के बारे में बताइए। ठीक है, जब आप लोग का एग्जाम आएगा उससे पहले मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानना है, इसमें आपका मेजर पेपर 14 में पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर पढ़ना है यूएनओ के कितने भाग है, जिसमें आपको जनरल असेंबली यानी कि महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हिंदी में सुरक्षा परिषद बोलते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या काम है, इन सबको जानना है कैसे बना है। और इसके स्पेशल कुछ एजेंसी हैं जैसे यूनेस्को है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, फिर आपका WHO के बारे में जानना है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनिसेफ के बारे में जानना है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है जी, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ। चलिए, ILO के बारे में पढ़ना है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको यूएनओ को सेटलमेंट एक्ट के बारे में पढ़ना है और यूएनओ के चार्टर के बारे में थोड़ा सा जानना है यानी कि यूएनओ का संविधान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा मेजर पेपर 15, इसमें आपको पढ़ना है फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में संघवाद के बारे में पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। मालूम नहीं यार मैं हिंदी कैसे बोल दे रहा हूँ इसका, मुझे याद नहीं रहता था, चलिए मतलब पढ़ पढ़ के आदत हो गया है। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, इसमें आपका तीन को यूनिट पढ़ना है फेडरलिज्म इन इंडिया कि भारत में किस प्रकार का संघवाद है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और साथ में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन के बारे में। ठीक है, और नेशनल पॉलिसीज यानी कि राष्ट्रीय जितने भी पॉलिसी हैं, रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है यानी कि क्षेत्र जितने भी पॉलिटिक्स होता है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय जितना भी जैसे एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो मोटा मन मोटा हो जाता है ना, वो सारी चीज पढ़ने हैं। अब आता है आपका सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 7 में शुरू होता है मेजर पेपर 16, इसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग गांधी जी, गांधी जी के बारे में समझना, और ये जो है हम लोग के टाइम में नहीं हुआ करता था, अब आप लोग का नया जुड़ा है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ गांधियल थॉट्स यानी कि महात्मा गांधी के जितने भी विचार हैं, इसमें आपको ट्रूथ, ठीक है, यानी कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब के बारे में जानना है। फिर जानना है महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज क्या है, गांधी जी और उसके विश्वास ट्रस्टीशिप के बारे में, गांधी जी और महिलाओं के बारे में, गांधी जी का जनजातियों के साथ, गांधी जी का आदिवासी के साथ जितने भी सहानुभूति थे उन सब के बारे में जानना है, और इनके आंदोलन के बारे में, गांधी जी मॉडर्न डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में जानना है। ठीक है, देन आता है आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में यानी कि विश्व राजनीति, जो आपको मेजर पेपर 17 में पढ़ना है। ठीक है, विश्व की राजनीति, इसमें आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानना है कि हमारा क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का हिंदी क्या होता है जी, मैं भूल रहा हूँ, इसका हिंदी होता है वैश्विक, क्या है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स
अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानना है, यानी कि वैश्विक राजनीति, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी ही होता है वैश्विक, ठीक है। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल इशू, यानी कि वैश्विक स्तर पर जितने भी मुद्दे चलते हैं, ठीक है, जैसे आतंकवाद का मुद्दा हो गया, या फिर पर्यावरण समस्या हो गया, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल बहुत ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वैश्विक तापमान, इन सभी मुद्दों को जानना है। IMF के बारे में जानना है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना है, यानी कि विश्व बैंक के बारे में। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, उसके बारे में जानना है। TNC के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और तीसरा टॉपिक है आपका ग्लोबल शिफ्टिंग पावर गवर्नमेंट, ठीक है। अरे यार लाइन कट गया, एक मिनट लाइट को जलाने दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका शुरू होता है मेजर पेपर 18, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में, ठीक है। देखिए इसमें आपको पढ़ना है इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारत में जो जाति व्यवस्था के आधार पर राजनीति होती है, ठीक है, वो जानना है। गोदी मीडिया के बारे में जानना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिलीजनलिज्म के बारे में, यानी कि धर्म के नाम, संप्रदाय के नाम, इन जो होता है, इन सब के बारे में आपको जानना है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है आपका पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, यानी कि राजनीतिक समाजवाद के बारे में जानना है। ये मेजर पेपर 19 रहेगा, 19। देखिए तो आपके जो इसमें टॉपिक है, ये आपके 6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, यानी कि राजनीतिक समाजवाद का परिचय जानना होगा, क्षेत्र जानना होगा, और प्रकृति जानना होगा, कल्चर के बारे में जानना होगा, सोशलाइजेशन के बारे में, एथिकल रिक्वायरमेंट, भर्ती, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है। तो राजनीति और समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। अब अंतिम सेमेस्टर आता है सेमेस्टर 8, इसमें आपको जानना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन किस तरह से चलता है। जैसे कि भारत में 3 स्तर पे गवर्नमेंट रूल करती है, पंचायती राज, जैसे गांव पे, ब्लॉक पे, जिला पे, ये हो गया पंचायती। फिर आपका आ जाता है स्टेट पॉलिटिक्स, फिर आ जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स, ठीक है। इन सब के बारे में आपको जानना होगा, स्पेशली आपका पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1976 में अपनाया गया, उसके बारे में जानना है। बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में जानना है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बस इतना आपका मेजर पेपर कंप्लीट, यहाँ से 20 मेजर पेपर कंप्लीट। अब आपका सेमेस्टर 8 में 3 एडवांस मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। इसमें पहला एडवांस मेजर पेपर है AMJ पेपर 1, इसमें आपको पढ़ना है एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो इसमें देखिए एकेडमिक राइटिंग है, मीनिंग इसका जानना होगा, राइटिंग सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स के बारे में राइटिंग, और इसमें जो है जनरली आपका फील्ड वर्क भी हो सकता है, करवाए घुमाए, ठीक है। अभी कॉलेज पे डिपेंड करता है आपको घुमाने ले जाता है या नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका एडवांस मेजर पेपर 2 AMJ पेपर 2, इसमें आपको पढ़ना स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में जो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में, ठीक है। और इसमें आपका है स्टेट एज यूनियन, एक मिनट यार, चलिए। तो हमारा क्या है स्टेट एज यूनिट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसके बारे में जानना है, फॉर्मेशन कैसे हुआ राज्यों का, ठीक है, किस प्रकार बने, पहले रजवाड़े हुआ करते थे, भारत में नदी व्यवस्था, सब कुछ जानना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, भारत राज्य के साथ संबंध क्या है, ठीक है, जितने भी विवाद है उन सबको जानना है, संघ, और इसमें आपको तीनों जानना है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ति सूची, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो हमारा सेमेस्टर 8 का अंतिम पेपर है एडवांस मेजर पेपर 3, इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन झारखंड, यानी कि झारखंड में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, बहुत गंदी है, ठीक है। तो इसमें आपको जानना है पॉलिटिक्स बिफोर 2000, क्योंकि झारखंड में 2000 में ही बना है, 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड, इसके बारे में जानना है आपको डिटेल में। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे रीजनलिज्म एंड सब रीजनलिज्म के बारे में, जितने भी होता है यहाँ पे आपको स्पेशली जानना पड़ेगा, यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जैसे आपका आजसू हो गया, JMM हो गया, JBM हो गया, ठीक है,
और एक नया बना हुआ आजकल जबी केसेस, इन सब के बारे में जानना होगा, मुख्यमंत्री के बारे में जानना होगा, यहाँ पे जो ट्राइब हैं ST ST जितने भी हैं, संथाल, मुंडा, हो ठीक है, खड़िया, कुड़ुक, माल्टो, सदान के बारे में, इन सब के बारे में जानना होगा, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सब के बारे में जानना होगा, झारखंड अलग कैसे हुआ बिहार से, ये भी आपको जानना होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया मेजर पेपर 20 गो और 3 गो एडवांस मेजर पेपर, और सेक पेपर तीनों का जान लिए, ठीक है। अब आता है आपका माइनर पेपर। माइनर पेपर जो शुरू होता है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस को माइनर पेपर के रूप में रखते हैं, वो आपका 4 गो पेपर आता है। माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में मिलेगा। अल्टरनेटिव यानी कि जितना भी विषम वाला सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7, विषम संख्या वाले सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7, इन चारों सेमेस्टर में एक ही वो माइनर पेपर रहता है। तो माइनर पेपर 1 यानी कि जो सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस को माइनर पेपर के रूप में रखते हैं, उनको पढ़ना होता है इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको, तो बस ये आपके पढ़ने यूनिट 1, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस क्या है इसमें, मतलब प्रकार पढ़ना है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप क्या है, ये सारी चीजें जाननी है। यूनिट 2 में आपको नागरिकता के बारे में, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में जानना है। यूनिट 3 में आपको जानना है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अंगों के बारे में। सरकार के 3 भाग होते हैं मालूम है, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या होता है विधायिका। और चौथा यूनिट आपको पढ़ना है इंडियन फेडरलिज्म एंड पार्टी सिस्टम के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फिर आपका सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस जो लोग रखते हैं सेमेस्टर 3, इसमें पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है। इसमें आपके 3 यूनिट है, पहला है अप्रोच टू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, दूसरा है नेशनल, एक मिनट यार इतना बोलते बोलते ना थक जाता हूँ, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस के बारे में, और फिर है आपका यहाँ पे पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस यानी कि भारत में बोलते हैं ना कि फूट डालो राज करो की रीति अपनाया गया, ठीक है, और फिर पार्टीशन हो गया यानी कि बंटवारा हो गया, और फिर स्वतंत्रता हुआ, इन सब के बारे में जानना है, भारत पाकिस्तान, फिर आपको याद आएगा गदर मूवी, सनी देओल, ठीक है। तो फिर आपका सेमेस्टर 5 में माइनर पेपर आता है 1C, सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर 1 है, सेमेस्टर 2 में 1 माइनर पेपर 1 भी, सेमेस्टर 3 में 1C और सेमेस्टर 7 में मिलेगा 1D। तो सेमेस्टर 5 में जो है आपका 1C माइनर पेपर, और इसमें जो लोग रखते हैं सेमेस्टर 5 में माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको पढ़ना होता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान के बारे में, इसमें आपको जानना है कि संविधान कैसे बना, ठीक है, और फिलोसफी इसके बारे में जानना है, ठीक है, ड्यूटीज कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, कितने कहाँ से किस देश से क्या क्या लिया गया है, वो सारी चीजें जाननी है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका माइनर कोर्स 1D, ठीक है, और माइनर कोर्स 1D में आपको पढ़ना क्या क्या है, सेमेस्टर 7 में मिलेगा, और इसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग गांधी जी एंड अम्बेडकर, ठीक है, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बारे में जानना होगा, ठीक है, महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा और जितना भी आंदोलन चलाया गया उसके बारे में, अम्बेडकर के बारे में जो विचार थे उनके बारे में, ठीक है, अम्बेडकर संविधान में योगदान क्या रहा, भीमराव अम्बेडकर का पूना समझौता क्या था उनके बारे में जानना है, ठीक है, और अंत में भीमराव अम्बेडकर हिंदू होते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ये सारा पेज का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, लाइन तो कट चुका है बॉस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। मेरा चार्ज खत्म हो गया यार, लाइन भी अब कटने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़ज रहा है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।